अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वैगनआर की बात की जाए तो वैगनआर के डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे, जिनमें से वैगनआर VXL था, VXR था, लेकिन एक और वेरिएंट ऐसा था कि जब कार इंपोर्ट करना शुरू हुई जापान से, तो उस वक्त मंजर आम पर आया था। द नेम ऑफ द कार वॉज सुजुकी स्टिंगरे। तो सुजुकी स्टिंगरे बेसिकली जापानी वैगनआर है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इट्स बेसिकली है, वैसे शेप इनकी सेम ही है, लेकिन देर आर सम फीचर्स और इंजन की परफॉर्मेंस और एवरीथिंग दैट इज़ चेंज, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जापानी वैगनआर में। तो आज के इस रिव्यू में हम कवर करेंगे सुजुकी स्टिंगरे 2015, विच इज़ सुजुकी स्टिंगरे वैगनआर बेसिकली। सो हियर इट इज़, सुजुकी स्टिंगरे। टेल इसके लाइट अगर आप देख सकें तो बेसिक वैगनआर में भी आपको मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक इज बैक विंडशील्ड वाइपर, जो कि जापानी गाड़ियों में आती है, लोकल मार्केट में नहीं आती है। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग, आपको बैक विंड वाइपर मिल जाता है, आपको एक स्पॉयलर मिल जाता है, स्पॉयलर के साथ आपको लाइट देखने को मिल जाती है, नीचे आपको सुजुकी का एम्बलम मिल जाता है, यहाँ से आप ट्रंक के लिए ट्रंक ओपन कर सकते हैं। नीचे अगर मैं आता जाऊँ तो आपको यहाँ पर एक रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और नेविगेशन सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक डिज़ाइन एंड आई थिंक अ वेरी लग्जोरियस तो नहीं कह सकते, इकोनॉमी क्लास की गाड़ी है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन। डिज़ाइन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अलॉय व्हील्स इसके अंदर लगे हुए हैं और इसके अंदर टॉर्क के टायर जो है मौजूद है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसका मॉडल नंबर ये टॉर्क। देन आपको डोर हैंडल्स जो हैं आपको करोला स्टाइल के मिलते हैं, जबकि अगर आप बेसिक वेरिएंट देखें जो लोकल है उसके आपको इस तरह खोलने वाले मिलते हैं, तो एक और अच्छी बात ये है। फ्रंट पे आता जाऊँ तो बड़ी अच्छी इन्होंने लाइट डिज़ाइन दी है, अगर आप देख सकें LED लाइट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, जो कि मैं आपको आगे चेक कराऊँगा। वन मोर थिंग लाइक अबाउट दिस कार इज फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल की अगर आप बात करें तो इस पर आपको लाइट्स मिलती हैं, विच इज़ ओके एम्बलम, वहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। नीचे अगर हम बात करें तो ये प्लास्टिक ग्रिल है, नथिंग क्रोम इन इट, दरमियान में आपको लाइट्स मिल जाएंगी, देन अगेन आपको साइड पर लाइट मिल जाएगी, HD लाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी डे टाइम रनिंग लाइट्स भी कह सकते हैं, फॉग लैंप्स है। साइड से देखने से गाड़ी को इस तरह की लगती है, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी ऑप्टिमल है। ओके जी, अब हम गाड़ी में बैठते हैं और आप देख सकते हैं इसको प्रेस करने से लॉक अनलॉक हो जाती है गाड़ी। सो राइट नाउ आई एम इन द कार वेयर आई कैन जस्ट स्टॉप दिस। यार एक तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना, जैसा बंद हो जाओ, ओके जी। सो राइट नाउ आई मीन द कार, फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि बड़ा अच्छा इन्होंने स्टीयरिंग व्हील दिया है, कार इज पॉलिश्ड राइट नाउ, प्लास्टिक मटेरियल बहुत अच्छा है, चीप नहीं है, जो चीप तो वैसे वैगन और पाकिस्तानी में भी नहीं है, लेकिन आई थिंक इनके प्लास्टिक वेल बिल्ड है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक। इसके अंदर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ऑप्शन मिल जाता है, दैट्स अ रियली गुड थिंग। आपको सेंट्रल लॉकिंग गाड़ी की मिल जाती है, आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं। कार इज ऑन, अगर मैं आपको दिखा सकूँ सामने तो आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, आप एनालॉग स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, साथ में आपको RPM टैकोमीटर मिल जाता है, और आपको फ्यूल गेज आपको देखने को मिल जाता है। साइड पे सर्कुलर स्टार्स में आपको एयरबेंड्स मिल जाते हैं, वन एट द राइट वन एट द लेफ्ट,
बात की जाए एयर बैग की, तो इसके अंदर एयर बैग एक यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि पाकिस्तानी वैगन आर में नहीं है। स्टेयरिंग भी आपको देखने को मिल जाता है एयर बैग, और आपको एक डैश पर देखने को मिल जाता है। डैश की बात करें, प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट है मन घर के अंदर, नीचे भी है। नीचे अगर देख सकें तो हम थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ कंट्रोल फॉर दिस LCD जो कि मल्टी मीडिया सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम। बात करें तो यह पार्किंग में इस पर गाड़ी है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ से आप एडजस्ट करके, यू गाइस कैन हियर नॉइज, आप सुन सकते होंगे सिर्फ थ्रो AC का थ्रो एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। AC अब मैंने ऑन कर चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं AC को। टेम्परेचर आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है फैन लेवल जो है कम कर सकते हैं। अभी भी ऑन है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम इसका ये है, आप देख सकते हैं जैसे कि। एंड आवाज़ मैं आपको स्पीकर की चेक कर रहा हूँ। वन एट द लेफ्ट, वन एट द राइट, और पीछे पावर स्टीयरिंग। ओके जी, डोर का मैं आपको बताता चलूँ तो डोर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है उन्होंने जो है स्टाइल दिया। आई थिंक इकॉनमी क्लास की गाड़ी के लिए आई थिंक दिस अ रियली गुड फीचर। दरमियान में आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये आर्म रेस्ट उन्होंने आपको दिया हुआ है, आर्म रेस्ट जो है आप नीचे कर सकते हैं। सीट की क्वालिटी एंड फैब्रिक इज़ रियली गुड। लेदर सीट्स नहीं है, सोफा सीट है ये। ऊपर आपको हेड रेस्ट देखने को मिल जाता है। अब सिटिंग पोस्चर की बात करें तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन माई हेड एंड द रूफ, और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं इसको। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यहाँ से आप शिफ्ट लॉक भी कर सकते हैं। हैजर्ड्स मिल जाते हैं आपको, और फ्लोर मैट आप देख सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह का इसका कोई डिज़ाइन है। अब चलते हैं बैक सीट पर, आपको मैं वहाँ का भी आपको बताता हूँ जी। गाड़ी के अंदर से बैठना उठना बड़ा अच्छा है। डोर हैंडल आप देख सकते हैं इसके अंदर। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। पीछे बैठना गाड़ी के अंदर बड़ा कंफर्टेबल, और आई थिंक कि ये परफेक्ट फैमिली कार हो सकती है। दिस इज जापानीज वेरिएंट। और पीछे अगर बात की जाए तो मैं वेरी कंफर्टेबल बैठा हूँ। बैक मेरी रेस्ट में है, ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सिटिंग पोस्चर वगैरह भी ठीक है इस गाड़ी का। हेड स्पेस आप देख सकते हैं, लेग स्पेस भी ठीक है। पीछे बैठने वाले अफराद सिर्फ दो एडल्ट बैठ सकते हैं और एक छोटा बच्चा बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। पीछे तीन सीट, तीन बंदे नहीं बैठ सकते। लेकिन ओवरऑल बिल्ड की बात की जाए तो लोकल पाकिस्तानी वैगन आर से जो है ये गाड़ी बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी है। एंड इट हैज़ मोर फीचर्स देन दैट। इसके अंदर आपको बैक पर भी ये मिल जाता है, क्या नाम है, विंडो कंट्रोल मिल जाता है जो कि आपको उसमें नहीं मिलता VXR मॉडल में। फ्रंट से डैश कुछ समय लगता है, लेदर स्टीयरिंग ऐसा है। सेयर बैग अगर आप देख सकें तो आपको नीचे यहाँ पर सिगरेट लाइटर भी देखने को मिल जाता है। देन आप डैश देख सकते हैं, ऊपर आपको क्लोज डैश मिलता है, नीचे आपको ओपन मिलता है। यहाँ पर आपको लाइट भी मिल जाती है। फ्रंट पे आपको, ड्राइवर साइड पे आपको शीशा मिल जाता है जो कि जब आप ऑन करते हैं, ये देखिएगा, तो ये लाइट ऑन हो जाती है इसकी। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी यही हिसाब है, दो शीशे मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड पे आपको ये नहीं मिलता, इधर आपको पीछे तीन साइड पे आपको हैंडल बार मिल जाता है। सीट की क्वालिटी पीछे भी बड़ी अच्छी है। हेडरेस्ट आप देख सकते हैं, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं। सीट को नीचे कर सकते हैं इसको प्रेस करके, ट्रंक स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सीट्स का फैब्रिक एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड। वन मोर थिंग अबाउट दैट इज कि इसके अंदर आपको सीट बेल्ट्स भी मिल जाती हैं जो कि बड़ा अच्छा फीचर है। तो यानी फैमिली के लिए अगर आप भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो चार बड़े अफराद, चार एडल्ट्स और एक बच्चा जो है बैठ सकते हैं इसमें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को गोद में बिठाएं। बट अगर बात की जाए तो 4 पर्सन और एक चाइल्ड जो है, एक बंदा जो है वो आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। गाड़ी के अंदर, गाड़ी के इंजन की मैं बात करता जाऊँ, इसके अंदर 660 cc का इंजन है जो कि एक फ्लॉलेस और एक बहुत ही अच्छी जो है माइलेज प्रोवाइड करता है जो कि हम देखेंगे। अब चलते हैं इसके ट्रंक में और आपको ट्रंक स्पेस। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से जापानी गाड़ियों की काफ़ी अच्छी होती है, आप देख सकते हैं। किसी के किस्म की कोई कमी नहीं है। डैश बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको गोट रखने की जगह मिल जाती है, थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बैठना, गाड़ी के टॉल वाइड हाइट के जो है दरवाजे हैं तो बैठना बहुत आसान है। ऊपर आपको एरियल देखने को मिल जाता है। पीछे आपको बैक शील्ड विंड वाइपर मिल जाता है जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है। आपको नोजल भी मिल जाती है पानी थ्रो करने के लिए। इसको ओपन करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ से
पकड़ के ओपन करना है एंड द ट्रंक विल बी ओपन। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है अवेलेबल है यहाँ पर। आप दो बड़े बैग रख सकते हैं इसके अंदर, एक एयरपोर्ट साइज़ का बैग आप रख सकते हैं और एक छोटा बैग आप रख सकते हैं अगर आपको पानी वगैरह रखना है। इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी नेस्ले की जो बॉटल्स होती हैं बड़ी। नाउ मैं ये बात इसलिए कंक्लूड करूँ कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं कि पानी वगैरह भी के लिए भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, पानी लाने जाने सामान के लिए, सोडा सल्फ के लिए। तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। और लाइट का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बड़ा अच्छा इकोनॉमिकल डिज़ाइन है इसका। यहाँ से आप सीट को ऊपर करके ना आप ये देख सकते हैं जैसे कि इसके साथ अटैच्ड है, इसको ऊपर करके आप सीट को आगे कर सकते हैं इस तरह। तो उसी लिहाज से फिर स्टोरेज स्पेस जो है ज़्यादा हो सकती है आपके। नीचे की बात करूँ, नीचे आपको स्पेयर टूल मिल जाते हैं और नीचे आपको टायर भी मिल जाता है, नीचे होगा। बाकी आपको स्पेयर किट मिल जाती है देखने के लिए। अरे देख सकते हैं कि जापानी गाड़ियों में जो है काफ़ी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है इनकी जो है काफ़ी क्वाइट गुड है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, हाउ इट क्लोज द वाई इज मिसिंग राइट ओवर हियर। दिस इज स्टिंगरे वैगन आर 2015। वैसे डिज़ाइन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका। अब आपको इसका इंजन दिखाते हैं। फ्रंट पे बात करता जाऊँ तो फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक देती है इसका बोनट जो है लिखता हुआ, जिसकी वजह से पूरे डब्बा नुमा जो होने की जो है शेप है ना वो हट जाती है। इसके अंदर एचडी लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, ओके देख सकते हैं आप, डे टाइम रनिंग लाइट्स जिनको आप कह सकते हैं। फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। सो बेसिकली आई हैव द की विद मी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज पुट योर फुट ऑन द ब्रेक और पुश स्टार्ट इसका इंजन है। ओके जी शिकिल भाई बैठे ना, इसको रेव करें मैं ताकि साउंड सुना सकूँ। ये लें आप बैठें गाड़ी में। सो दिस इज द 660 cc इंजन दैट प्रोवाइड्स अ फ्लॉलेस और वेरी अच्छी फ्यूल एवरेज देती है। रेव करें ज़रा गाड़ी की आवाज़। गाड़ी के साउंड आपने सुना कितनी डिसेंट इसका देख सके तो आई कैन नॉट सी कि इसके अंदर कौन सी बैटरी इंस्टॉल है, बट आई थिंक फिनिक्स की बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। 660 cc का इंजन है जो कि एक बहुत अच्छी माइलेज प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल ऑनर मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये 28-29-30 किलोमीटर पर लीटर आपको दे सकती है गाड़ी। और आप देख सकते हैं कि इसकी मैनुफैक्चरिंग एंड एवरी थिंग, अभी इसकी लाइट भी कहता हूँ, लाइट ये मैं आपको लाइट इसकी चेक करा रहा हूँ जो दरमियान में आप देख रहे हैं। वैसे तो अमूमन तौर पर ग्रिल वगैरह होती है लेकिन इसके अंदर HD लाइट, डे टाइम LED रनिंग लाइट लगी हुई है। आप ये देख सकते हैं इसकी सारी लाइटें ऑन है। ये अब इसकी फ्रंट हेलोजन जो LED बल्ब जो है ये भी ऑन हो चुके हैं। काफ़ी इसकी विजिबिलिटी रात में काफ़ी अच्छी होती है आप जैसे कि देख सकते हैं। तो ये शक्ल पेश करती है सुजुकी स्टिंगरे 2015 मॉडल। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो उसकी कॉस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। और इस गाड़ी जो है एक डिसेंट फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू ऑनर 28-30 किलोमीटर पर लीटर जो है आपको ये एवरेज प्रोवाइड करती है। 660 cc का इंजन है और यहाँ से जो है आप बोनट को बंद कर सकते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी डू इट फ्रॉम वन हैंड, यहाँ से इसको नीचे करके यहाँ से आप बोनट बंद कर सकते हैं। सो दैट्स ओवरऑल लुक। अभी मैं आपको इसका साइलेंसर साउंड भी चेक कराता हूँ और आप ये देख सकें रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इस गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा रेव करें पीछे से, मैं इधर साइलेंसर की आवाज़ सुना रहा हूँ। साइलेंसर इसका नीचे है, साउंड सुन सकते हैं इसकी गाड़ी की। टायर इसके अंदर जो है टॉर्क के आपको बताया। सो दिस वॉज द ऑल ऑफ द रिव्यू अबाउट सुजुकी स्टिंगरे 2015 मॉडल। और आप देख सकते हैं अब बड़े अच्छे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ फैमिली कार है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको इको आइडल वगैरह आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको AC सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आपको लाइट्स आगे आप देख सकते हैं। 660 cc का इंजन है, छोटा इंजन है जिसकी ये अच्छी बात है कि आपको फ्यूल एवरेज जो है काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। गाड़ी का साउंड आपने देख लिया, गाड़ी के ओवरऑल आप डायमेंशन और लुक आपने देख ली। If you're looking to buy that car, that is पाकिस्तानी लोकल असेंबल, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। दिस इज 2015 सुजुकी स्टिंगरे वैगन आर, जिसको आप कह सकते हैं कि जापानी वैगन आर है।
ये आप ले सकते हैं। दिस कार विल कॉस्ट यू फुल 11 लाख रुपीज रेदर देन दैट कार दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 11 लाख 25,000 रुपीज दैट इज अ वैगनआर वी एक्सेल एंड दिस इज अ सुजुकी स्टिंगरे 2015 जो कि वैगनआर शेप की होती है। तो आप आ सकते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर जो आपको उसमें नहीं मिलते हैं, इसके अलावा आपको मैरान स्टाइल के आपको डोर हैंडल मिलते हैं उसमें, जबकि आपको उसमें ऑटोमेटिक मिलते हैं चारों में। इसके अलावा आप नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके पास एलसीडी मौजूद है। गाड़ी की ओवरऑल अगर आप लुक देखें तो उसका बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग जो है बहुत अच्छी है एंड इट्स वेल बिल्ट। पार्किंग ब्रेक एंड एवरीथिंग राइट अबव देयर आप देख सकते हैं। सो या इफ यू वांट टू आस्क मी अबाउट डिटेल कंपैरिजन तो मैं इनका बनाऊंगा, ये वैगन आर का भी बनाऊंगा एंड नाउ आई गॉट माय हैंड्स ऑन दिस स्टिंगरे, तो स्टिंगरे का भी मैं लाजमी बनाऊंगा। तो अगर आप लोग जो है पाकिस्तानी वैगन आर के पीछे जा रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू गो आफ्टर सुजुकी वैगन आर, इसका नाम है सुजुकी स्टिंगरे, जापानीज वैगन आर है, आप इसके पीछे जा सकते हैं। ये गाड़ी राजा मोटर्स पे आपको मिल जाएगी, इसकी प्राइस है 11 लाख रुपीज, आप आ सकते हैं और इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं। डोर हैंडल मिल जाते हैं आपको, सिक्योरिटी सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडोज, एक्सेसिबल फीचर्स, पुश स्टार्ट इंजन, बहुत सारे आपको अलॉयरिम्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो आई थिंक 11 लाख के बजट में ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में मुझे ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि वुड यू बाय सुजुकी वैगन आर VXL और VXR पाकिस्तानी बाई करेंगे या आप जाएंगे 2015 स्टिंगरे के ऊपर। लिंक में आपको VXR और VXL दोनों के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप खुद जाइए और देखिए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग इस मोहम्मद अली साइनिंग ऑफ, लाइक करें, आपको बहुत सब्सक्राइब करना है। इस कार की डिटेल पिक्चर जो है आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, फेसबुक का लिंक भी डाउन डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ा करें, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है गाड़ी के मुतालिक। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।